हाय गाइस वेलकम टू सीजलिंग टी तो आज बात करते हैं रिजा के बिहेवियर की और सबा उसे कितना एक्सप्लॉयड करती थी और एक्सप्लॉयड करती है और कैसे उसका बिहेवियर चेंज होता जा रहा है तो सबसे पहले आप सबको समझना पड़ेगा कि वो अब छोटी बच्ची नहीं रही है वो अट्ठारह साल की हो गई है जी हाँ वो टेंथ ग्रेड में ही है क्योंकि उसके एक दो साल बर्बाद हुए थे जब वो महदा से बॉम्बे शिफ्ट हुई थी पढ़ाई के लिए तो अठारह साल की है उसे ट्वेल्थ में होना चाहिए था या पास कर चुके चाहिए थी बट वो अभी भी में ही है तो जब ब्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी तो इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं होता था और रिजा और रेहान ने भी मतलब बहुत नॉर्मल कंडीशंस में फैमिली को बड़े होते देखा था तो ये लोग उस माहौल से एडजस्ट कर रहे थे तो रिजा और रेहान एक अच्छे बच्चे होते थे ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते थे और चालू अपी जो है जो डब्बा मारानी है सभा है वो इन लोगों को काफी यूज करती थी अपना कमांड देती रहती थी घर के छोटे मोटे काम करवाना और थोड़ा बॉस ओवर करना बट कभी कभार कढ़ाई पढ़ाई में भी हेल्प कर देती थी बट जैसे ही डब्बा ने व्लॉगिंग का करियर शुरू किया और इसको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलती गई तो मैडम के तेवर बदले इसने रिजर्व को स्पेशली ज्यादा करना शुरू किया और आप इनके घर में देखिए जो लड़का और लड़की का डिफरेंस हो होना है, वो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है ये रेहान को तो इतना ज्यादा सर पर चढ़ा के रखते हैं उसको इतने महंगे गिफ्ट दिलाते हैं ब्रांडेड सामान दिलाते हैं एकदम जूते कपड़े और वो अभी छोटा बच्चा है वो शायद वो शायद में में होगा होगा शर्ट के के चार बटन खोल घूमता होता है ठीक है और रेजा को वो बहुत अगर आप रेजा के कपड़े देखो तो रेजा के पास बहुत ज्यादा कपड़े नहीं होते हैं और वो हमेशा नीचे बैठ ही पाती है तो शुरू से ही वो हमेशा नीचे बैठ के होमवर्क कर रही होती थी जबकि रेहान सोफे पे चढ़ा होता था क्यों दोनों बच्चों को सेम ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता और उससे घर के काम भी कराए जाते थे और जो सभा मैडम है वो उसे जब ब्लॉगिंग का करियर स्टार्ट हुआ तो सारे ब्लॉग वो शूट करती थी उसके वो और फोटोशूट्स जो होते हैं उसके इंस्टाग्राम के पोस्ट आते इंस्टाग्राम के कोलेबोरेन्स आते थे जो इंस्टाग्राम के कोलेब्रेशन आते हैं ना उसमें सामान आ जाता है कि भई मेरे सूट पहन लो कोई भी स्टोर वाला उन्हें सूट भेज देता, देता है या ज्वेलरी भेज देता है या हिजाब भेज देता है कि तुम मेरे ये सब पहन के मेरा मैंशन कर देना इंस्टाग्राम की जब स्टोरी डालोगे तो और ये सब कपड़े पहन लेना आधी बार वो उन्हीं को दे देते हैं कि अब हम क्या ही करेंगे और अगर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं तो वो वापस मंगवा मंगवा लेते हैं फिर वो अपने स्टोर में बेच देते हैं तो ऐसे होता है तो अब ये जब इंस्टाग्राम की फोटो शूट कराने जाती है मैडम तो एक बार तो ये भी देखा गया था कि वो ना हील्स पहन के चल पड़ी जी अब चला जाता नहीं है उसे हील्स पहन के मैं सभा की बात कर रही हूँ तो वो एक चप्पल हाथ में लेके वो पीछे पीछे रिजा जा रही है तो मैडम जी उसके चप्पल उठवा रही है वो उसको पानी देती है मेरे को पानी दे दे मेरे को कटोरी में बिस्किट डाल के दे दे मतलब ऐसे छोटे छोटे काम जो जो इंसान को खुद कर लेने चाहिए वो भी ये रिजा से करवाती थी और जब इंस्टाग्राम की फ़ोटो शूट होता है तो अब मैंने जैसे पहले ही बोला है कि बहुत सारा टाइम लगता है उसमें ऐसा नहीं है कि जस्ट एक फ़ोन पे एक फ़ोटो खींचनी है वो पहले तैयार होंगी तैयार होने में उसकी हेल्प करेंगे रिजा ये पकड़ अभी ये पकड़ अभी मुझे वो दे दे अभी मुझे ये दे दे और फिर तैयार होएगी और फिर उसके फ़ोटो शूट के लिए सामान लेके वो नीचे जाएगी चप्पल वप्पल लेके कैमरा ले कर फ़ोन ले कर उसका और भी जो भी हिजाब एक्स्ट्रा हिजाब एक्स्ट्रा दुपट्टे ले दें फिर वो जाके नीचे पार्क में या कहीं पर कोई अच्छी लोकेशन ढूंढेंगे धूप और छाऊँ का ध्यान रखेंगे दस बारह पिक्चर्स खींचेंगे उसमें से मैडम देखेंगी कौन सा अच्छी है कौन सी बुरी है फिर जाके एक सेलेक्ट करेंगी तो इसमें बहुत टाइम जाता है और रेजा को अपना स्कूल का होमवर्क भी करना होता था और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ड्राइंग पेंटिंग प्रोजेक्ट ये सब वाप करने होते हैं जो बच्चों को नाइन टेंथ वाले बच्चे होते हैं उनको करना होता है तो वो सब में उसका हट जाना होता था ठीक है तो ये काफ़ी ज़्यादा उसको हेल्प करवाती थी और कुकिंग में भी हेल्प करवाती थी कि ये बना लो वो बना लो ये कर दो वो कर दो तो ये बच्चे फिर भी कभी नहीं बोलते थे करते रहते थे और जब इसकी शादी हो गई तो बच्चों को एम श्योर sure, बहुत रिलीफ मिला होगा लेकिन आधे से ज़्यादा टाइम तो ये मम्मे में पड़ी रहती है शादी होने से उसको क्या ही फ़ायदा होगा तो अभी हमने देखा कि ये जब भी आती है तो पहले तो रिजा और रिहान को खाना पीना खिलाने शाम को ले जाती है तो कंटेंट भी बन गया फिर उसके काम भी करवाती है सिर्फ मेरी ही तारीफ करनी चाहिए तो जब ये रजा देखती होगी कि मेरे कमेंट्स आ रहे हैं मेरे बारे में तो उसे अच्छा लगता होगा बट डब्बा मैडम क्या करती है उन कमेंट्स को डिलीट कर देती है और ये जान पूछ के रजा को ऐसी चीजों पे शूट करते हैं, जहाँ रिजा थोड़ी सी उखड़ी हुई बात कर रही है रिजा थोड़ी सी बदतमीजी से बात कर रही है या इसको ऐसी सिचुएशन में डालती है जहाँ रिजा थोड़ा सा ानीनों ही सत्रह अठारह साल की लड़कियां छोटी ही लगती हैं अभी और वो दोनों किचन में लगी हुई हैं डब्बा मैडम जो बत्तीस तैतीस साल की महारानी है वो बैठी हुई है अपना फोन लेके भैया तुम्हारा ब्लॉग तो एडिटर तुम्हारा शूट करता है वो ऑडिट करता एडिट करता है और उसके बाद भी तुम अपना बस कमेंट्स पढ़ रही होंगी ना बैठ के और क्या कर रही होंगी कमेंट्स ही पढ़ रही होंगी बैठ के डिलीट कर रही होंगी तो वो वहाँ बैठी हुई है छोटी लड़कियों को तेल में डीप फ्राई वाले काम तुमने दे दिया अगर तेल उछल जाए उनके ऊपर गिर जाए तो मतलब कितनी बड़ी हादसा कितना बड़ा हादसा हो सकता है वो उसको कोई परवाह नहीं है ठीक है तो फिर वो वहाँ पे जब तल रही थी तो उसमें एक तो मुझे पता चला कि जिस तरीके से रिजा काम कर रही है ये काफी ट्रेंड टाइप लग रही थी वरना कोई बच्चा पहली बार दूसरी बार चौथी बार तीसरी बार जैसे अगर अः पकौड़े वकौड़े तलेगा तो उसके हाथ में इतनी इतना परफेक्शन नहीं आएगा लेकिन यहाँ तो बड़े प्यार से पकौड़े तल रहे थे तो साफ पता चल रहा था ये घर का काम उससे करवाते हैं और यहाँ पे रिजा आ जा रिजा और सारा दोनों जने लड़कियाँ अपने पकोड़े तल रही हैं किसी बात पे इनका आर्ग्यूमेंट हो रहा है कि ये अच्छा नहीं तल रही वो अच्छा नहीं तल रही ऐसे करो वैसे करो तो तो डब्बा मैडम फटाफट फाड़ पहुंच गए उन्हें उसे कैप्चर करने कि ये मैं दिखा देती हूँ कि देखो भैया रज़ा इत, इतनी बदतमीजी से बात करती है और ये इतनी भी अच्छी नहीं है और इसके खाने में भी कमियाँ निकालती हूँ तो ऐसे करके उसने उसको शूट कर लिया और अपना कंटेंट बना लिया और डाल दिया तो जो लोग देख रहे हैं उसको तीन साढ़े तीन मिलियन लोग देख रहे हैं एक्चुअली डेढ़ मिलियन ही देखते हैं साढ़े तीन मिलियन तो उसके सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन डेढ़ मिलियन लोगों के सामने तो उसकी उसने बेजती करी ना लोग तो ये सोचेंगे कि ओ रीज़ा तो रूड है रीज़ा कैसे बात कर रही है रीज़ा को तो बिल्कुल बड़ों से बात करनी नहीं आती रीज़ा सारा से जलती है ये है वो है तो यही दिखेगा जैसे कहते हैं ना कि तुम कैमरा के सामने क्या दिखाते हो उससे किसी की इमेज बदल सकती है तो अगर तुम उसका अच्छा दिखाओगे तो सब लोग अच्छा अच्छा सोचेंगे अगर थोड़ा सा भी ख़राब दिखा दिया तो लोग ख़राब सोचेंगे अब इंसान तो मिक्स्ड होता है ना उसमें अच्छायाँ भी होती हैं बुराइयाँ भी होती हैं अब तुमने सिर्फ उसका बुरा पार्ट कवर करके दिखा दिया तो लोग तो सोचेंगे ना बुरा बुरी है रूड है बदतमीजी होती जा रही है और इसको आ, इन लोगों ने ठीक से तालीम नहीं दी है तो वो तालीम वाला बात तो मेरे को पूरी एग्री करती हूँ तालीम इन्होंने कुछ नहीं दिया है उसका फाइनेंस कर रहे हैं खिला पिला रहे हैं लेकिन घर का काम भी खूब करवाते हैं इनसे स्पेशली रिजा से रेहान को तो इन्होंने राजा बाबू बना के रखा हुआ है रिजा से काम करवाते हैं और पता है ऐसे में क्या होता है जो बच्चियाँ होती हैं ना सत्रह अठारह साल की इनफैक्ट छोटों में भी आजकल तो छोटों में भी उनमें एक इनसिक्योरिटी सी जेलेसी फ्रस्ट्रेशन ये सब आ जाता है और ये इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो घर का सारा काम करती है इनकी इतनी हेल्प करती है और सारे टाइम इनकी एक पर्सनल हेल्पर की तरह लगी रहती है और उसके सामने किसी और बच्चे की तारीफ कर रहे हो और ये भी देखती होगी कि ना वो बच्ची आती है अपनी माँ के साथ यहाँ इनकी माँ कौन है माँ है इनकी बेटी खाला जो बेचारी खुद ही इन पर डिपेंडेंट सी रहती है खुद ही बेचारी कुछ बोल नहीं पाती उनके भूह में जबान नहीं है वो देखती है अपने बच्चों को ऐसे एक्सप्लोइ होते हुए और कुछ बोल ही नहीं पाती हैं क्योंकि अब बोलना तो चाहिए मेरे नजरों में तो बोलना चाहिए बिल्कुल बो चाहिए अगर तुम्हें अपना बच्चा कहीं भी एक्सप्लॉयट होते हुए दिखे ना तो उसके लिए स्टैंड लीजिए चाहे आपके पास कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो क्योंकि इससे आपको भी एक कॉन्फिडेंस आएगा बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मेरे माँ बाप ने मेरे को इस तरीके से तरीके से एक्सप्लॉयटेशन से बचाया वो एक्सप्लॉयटेशन कैसा कैसा भी हो सकता है जैसे इनके यहाँ जिस तरीके से इनको ट्रीट करते हैं तो वो एक्सप्लॉयटेशन ही है एक तरीके से बच्चों का तो इसमें रज़ा को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी लगती होगी कि मेरी माँ तो मेरे बारे में या मेरे को कभी संभालती नहीं है और हमें तो ये डब्बा का बस नौकर बना के रखा हुआ है क्योंकि अब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हैं समझ आ रही है उन्हें पहले छोटे थे तब और इस तरह का जो बॉस ओवर बिहेवियर है ना डब्बा का वो अब बहुत बढ़ता जा रहा है जैसे होता है ना घमंड सर चढ़ गया है जैसे पहले तो नया नया थी थोड़ी दबके रहती थी थोड़ा पोलाइट बात करती थी थोड़ा लोगों से प्यार से बात करती थी और जैसे कंटेंट शूट करना होता है तो पहले इनको बहुत यूज करती थी ऐसा नहीं है चलो अभी ये करेंगे चलो अभी हम वो करेंगे चलो ये चैलेंज करते हैं अभी वो चैलेंज करते हैं अभी तुम फ्रूट ठूसो अभी तुम गोलगप्पे खाओ अभी हम ये केक बनाएंगे वो सब में तो इसे फुल यूज किया है इसने बच्चों को दोनों को लेकिन अब ये बॉस ओवर करती है ये इनको मतलब अः बेजती करती है इनको ताने मारती है वो गलत है तो अल्टीमेटली मेरा जो पॉइंट था इस ब्लॉग को बनाने का वो ये था कि रिजा को इन्हें अच्छे तरीके से ट्रीट करना चाहिए बच्चों में कंपैरिजन नहीं क्रिएट करना चाहिए बच्चों के इमोशनल एंड जो मेंटल हेल्थ है उसको भी समझना चाहिए पहली बात तो इतनी छोटी बच्ची नहीं रह गई है कि उसको एकदम बच्चों की तरह निगलैक्ट कर दो जब मर्ज़ी डांट दो जब मर्जी किसी की बे, के सामने बेज़ती कर दो जब मर्ज़ी तुमने उसको एक दो छोटे मोटे गिफ्ट दिला दिए खिलौने से दिला दिया उसको खुश कर दो उसको ज़मीन पर बिठा दो और उसका भाई सोफे पर बैठा हुआ है उसको जब मर्ज़ी कोई भी पढ़ रही है या कुछ भी कर रही है उसको काम के लिए बोल दो उठा दो ऐसा नहीं कर सकते हो और उसके सपोर्ट करो पढ़ाई में उससे बात करो उस कभी तुमने पूछा है वो क्या पढ़ती है कौन से सब्जेक्ट है स्कूल की टीचर का नाम क्या है वो करती क्या है फ्री टाइम में लंच टाइम में किससे मिलती है कौन उसकी फ्रेंड्स हैं वो उसकी फ्रेंड्स घर में क्यों नहीं आती कभी या कभी उसको थोड़ा फ्रेंड्स के पास जाने दो और कभी उसको मतलब बैठो लेके अगर उसकी पढ़ाई में वीक है आई एम श्योर हंड्रेड परसेंट श्योर कि वो पढ़ाई में बहुत वीक होगी जिस तरीके से उसका मेंटल लेवल है वो एक अट्ठारह साल के बच्चे जितना नहीं है मैं ये नहीं कह रही उसमें कोई आ, प्रॉब्लम है डिजीज़ नहीं है कोई भी लेकिन जिस तरह से उसकी बचकानी हरकतें हैं क्योंकि एक्सपोजर नहीं मिला जब तक तुम एक्सपोजर नहीं दोगे प्रॉपर बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो सकती एक्सपोजर के नाम पे क्या होता है ये क्या दिखाते हैं सिर्फ अपने व्लॉग हाँ भाई का व्लॉग देख लो भाभी का व्लॉग देख लो मेरा व्लॉग देख लो और झलक दिखला जा देख लो इसके अलावा कुछ नहीं देखते सिर्फ यही देखते हैं और इनके जो सेलिब्रेशंस होते हैं वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा सिर्फ ये बर्थडे सेलिब्रेट करें या कोई भी इवेंट सेलिब्रेट करें पहले तो इन्होंने बहुत सारे इवेंट सेलिब्रेट करते थे ये मिलियन सब्सक्राइबर थ्री मिलियन गोल्ड बटन सिल्वर बटन ये बटन वो बटन तो इसमें होते कौन थे वही अम्मी पापा भाई भाभी डब्बा अब तो या एक आध खाला जो है बस वो तो इनका दस बारह लोगों की फैमिली है इसके अलावा ये कोई भी सेलिब्रेशन हो कुछ भी हो इसके अलावा इनका कहीं एक्सपोजर है ही नहीं किसी से मिलने जुलने का किसी से बात करने का तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ना बच्चों का काफी कम है अगर अग, आप इन लोगों को अगर रेगुलरली वॉच करते हैं कई साल से तो आपने देखा होगा एक आध ब्लॉग्स में ऐसा हुआ था कि रिजा को ले गई थी डब्बा कहीं बाहर पता नहीं कोई इनका इवेंट था कहीं तो किसी शोरूम का जिसमें से कुटोर गलत बोल दिया था तो वहाँ पे तो वहाँ पे डिजा बोल ही नहीं पाई थी किसी से बात ही नहीं कर पाई थी फिर आके बोलती है ये तो किसी से बात ही नहीं कर पाई तो अम्मी बोलती है अरे तुम इतने सालों से बॉम्बे में रह रहे हो क्यों नहीं बात कर पा रहे भैया बात करने के लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आना चाहिए ना वो कॉन्फिडेंस आएगा कैसे जब तुमने इनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं दिया तो तुमने तो इन्हें बिल्कुल घर में बांध के रखा हुआ है तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी बच्चा हो उसको थोड़ा सा एक्सपोजर चाहिए है आज के जमाने में और पहले के जमाने में भी तभी बच्चों की डेवलपमेंट होती है मेंटल डेवलपमेंट जो आज के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वरना बच्चे सर्वाइव कैसे कर पाएंगे कहाँ से वो जॉब कर पाएगी बाहर जाके कहाँ से वो मतलब अगर जॉब ना भी करे तो फैमिली में एग्जिस्ट करने के लिए अपनी फैमिली चलाने के लिए अपनी लाइफ चलाने के लिए तुम्हें थोड़ा तो कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा तुम्हें तो थोड़ा बोलना आना चाहिए तुम्हें किसी से बात करनी आनी चाहिए तुम इतने ज़्यादा इनसिक्योर रहोगे तो और फिर मैं यहाँ बॉडी शेमिंग की बात नहीं कर रही हूँ लेकिन अगर मोटा जिस तरीके से आ, रिजा ने आ, वेट गेन किया तो जिस तरीके से उसकी हेल्थ बिगड़ी है अगर इसको हम इसके बारे में बात ना करें तो इसको नॉर्मलाइज करना कहना हो जाएगा विच मीन्स कि ओ नॉर्मल है कुछ भी करते रहो नॉर्मल है क्योंकि बॉडी शेमिंग नहीं कर सकते तो जो इतना बड़ा इतना मोटापा आया हुआ है उसके लिए इस फैमिली ने कोई एक्शन लिया नहीं कौन रिस्पॉन्सिबल है इब्राहिम्स क्योंकि दो तीन साल पहले ये इतने मोटे नहीं होता हुआ करती थी और अब देखो क्योंकि ये पूरे टाइम बाहर का खाते हैं एक और चीज़ मुझे जानना है कि ये लोग सुबह ब्रेकफास्ट क्या करते हैं और लंच में क्या लेके जाते हैं और आके क्या खाते हैं क्योंकि रात रात को जो डिनर बनाते हैं ना वो तो दिखा देते हैं डब्बा मैडम आती है लेकिन जब डब्बा मैडम यहाँ नहीं होती तो घर का खाना कौन बनाता है क्योंकि मुझे अब लग रहा है कि अम्मी के बस की बात नहीं है नहीं और बाकी जब खालाएं वाला आती है तो खाला बना देती है तो क्या नाजा खाला या अगर डब्बा है घर में तो इनका लंच या ब्रेकफास्ट सुबह बनाती होंगी उठ के और बच्चे तो मुझे लगता छह साढ़े छह बजे जाते होंगे स्कूल या एटलीस्ट लीस्ट छे छह बजे उठते होंगे सात बजे तक चले जाते होंगे तो इतनी सुबह डब्बा मैडम तो बारह बजे से पहले उठती नहीं है तो कौन बनाता होगा ब्रेकफास्ट ये अपने आप ही उठ के अपने आप कुछ खा पी के निकल जाते हैं अगर ऐसा है तो फिर जब वो आएंगे तो जंग के खाएंगे और इनके घर में मोस्टली जंग के आता है तो जो इनकी जो फ़िज़िकल हेल्थ है वो भी कितनी ख़राब कर रखे है इन लोगों ने और इसके रिस्पॉन्सिबल भी इब्राहिम सिंह हैं इसको क्यों नहीं दिखाते किसी अच्छे डॉक्टर के पास इसको क्यों नहीं इसके लिए डायटिशियन लगवाते या इसके लिए क्यों नहीं तुम योगा इंस्ट्रक्टर रखते या इसके लिए कोई तुम डॉक्टर के पास लेके जाओ देखो इसके ब्लड इसका ब्लड वर्क कराओ इसका चेक करवाओ कि कोई मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही है बस इग्नोर करके जाओ चल चलते रहो और अपने ब्लॉग्स पे ब्लॉग बनाते रहो कंटेंट पे कंटेंट इनको यूज़ करते रहो और बस सब चीज़ें इग्नोर कर दो तो यही इन लोगों ने करा है बट ये सही नहीं है और हमारा एज अ ऑडियंस फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारे आसपास कहीं भी कोई चीज़ गलत हो रही है तो आप आवाज़ उठाइए ये लोग जो आजकल ब्लॉगिंग कर रहे हैं और जो हिट हो गए हैं वो कुछ भी शूट कर रहे हैं क्योंकि उनका तो पैसा बन रहा है पब्लिक बेवकूफ़ बन रही है लेकिन जो बेवकूफ़ नहीं है पब्लिक जैसे हम लोग आप लोग हैं जो बेवकूफ़ नहीं हैं उनको तो आवाज़ उठानी चाहिए जो बहुत सीधे साधे हैं बहुत एजुकेटेड नहीं है वो उनको उनको कुछ आइडिया ही नहीं है क्या हो रहा है वो बस देख लेते हैं ब्लाइंडली तो उनका उनके बारे में हम क्या बोल सकते हैं लेकिन जो एजुकेटेड है वो तो आवाज़ उठाएं तभी तो आवाज़ पहुंचेगी वहाँ तक एक इंसान आवाज उठाएगा दो उठाएंगे चार उठाएंगे तब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवाज़ उठाने लगेंगे तो आवाज़ उठेगी अगर सब लोग सोचेंगे हमारा क्या जा रहा है हमारा क्या जा रहा है तो आप ये सोचिए देखिए कि छोटे बच्चे हैं वो उनको किस तरीके से एक्सप्लोइ किया इन्होंने और आगे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं बिल्कुल भी नहीं लेंगे जहाँ रज़ा पच्चीस साल की हो जाएगी ये तो अपने अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे बाकी लोग वो अभी भी अपना कुछ कंटेंट बना रहे होंगे इनके खुद के बच्चे हो जाएंगे अपने बच्चों को लेके वो कंटेंट बना रहे होंगे ब्लॉग्स बना रहे होंगे बच्चे को एज ए कंटेंट यूज़ करके तो रिजा और रिहान का तो चलो ठीक है रिहान अभी भी ठीक है रिजा का क्या होगा कौन संभालेगा उसको दो चार बीमारियां हो गई तो ये सारी ज़िंदगी बेचारी दवाइयां खाती रहेगी क्या या स्ट्रगल करती रहेगी अपनी मेंटल हेल्थ से तो आप आवाज़ उठाइए और अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए उसके लिए इग्नोर मत कीजिए तो चलिए प्लीज़ बने रहिए एंड इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड इफ यू हैव एनी ओपिनियन अबाउट इट प्लीज़ कमेंट इट थैंक यू बाय बाय